चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा व खेकरा पर्व पर बैलों को भड़काने की परंपरा तो पूरे मेवाड़ में सदियों से चली आ रही है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला कस्बे में गोवर्धन पूजा पर गायों को भड़काने की अनूठी परंपरा है। इसके आधार पर आने वाले साल के जमाने का अनुमान लगाया जाता है। कस्बे के स्थित बेरच नदी किनारे पंच पटेलों व जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों की उपस्थिति में गायों के विशेष रूप से श्रृंगार तथा पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। इस खेकरा पर्व पर सफेद गाय सबसे पहले भड़की। लोगों का मानना है कि आने वाले साल अच्छा रहेगा। गौरतलब है कि इस परंपरा के निर्वहन के लिए ग्वाला खेकरा भड़काने के लिए बांस पर बनी हुई चमड़े की कुप्पी व गिद्धी को हाथ में लेकर गायों के सामने कुप्पी ले जाता है। सबसे पहले भड़कने वाली गाय को ग्वाला दौड़ता हुआ मालिक के घर तक ले जाता है। रीत रिवाज के अनुसार ग्वाला को भेंट देकर सम्मान किया जाता है। ग्वाला नारायण लाल भील व मांगी लाल भील ने बताया कि गाय को भड़काने की गिद्धी करीब 104 वर्ष पुरानी है तथा इसका नाम भानानाथ गिद्धी है। खबर आपकी, राजस्थान से नंदलाल तेली की रिपोर्ट।